फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजाज किचन ट्रेजर ऑफ फूड। और पूजाज किचन में आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता, वो भी स्मोकी फ्लेवर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि मैं अपने वीडियोस में जो जो यूटेंसिल्स और इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर आप लोग वहाँ से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 जो है मीडियम साइज़ के बैंगन लिए हैं और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 बड़े प्याज जिन्हें मैंने बड़ा बड़ा काटा है, 2 बड़े टमाटर हैं इन्हें भी बड़ा काटा है, 3-4 कलियाँ मैं लहसुन की ले रही हूँ और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। साथ ही मसालों में हम जो ले रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल जो मसाले यूज़ करते हैं वही मैं इसमें ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ जीरा और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और ये पान मेथी ले रहे हैं। पान मेथी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसलिए हम इसे ले रहे हैं। और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और हम ले रहे हैं थोड़ी सी राई। साथ ही हम लेंगे कुछ एक्स्ट्रा मसाले इसे बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए। यहाँ मैं ले रही हूँ आमचूर पाउडर और काली मिर्च पाउडर और साथ ही मैं ले रही हूँ गरम मसाला और ऑयल हम लेंगे कुकिंग के लिए। और बैंगन जो लिया है हमने उसका ये ऊपर वाला डंठल जो है हटा देंगे। और अब जो है इसको गैस पर भूनना है हमें बैंगन को। हम आप चाहें तो इसे बॉईल करके भी बैंगन बना सकते हैं, परंतु भुने हुए बैंगन से बहुत ही टेस्टी भरता बनता है, बिल्कुल स्मोकी टेस्ट आता है। जब तक हमारा बैंगन भुन रहा है, रोस्ट हो रहा है, तब तक हम बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए और यहाँ पर मैं 2 चम्मच ऑयल ले रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये मेथी ली है और मेथी इसमें डाल देंगे हम। और अब जो हमने सब्जियाँ ली हैं जैसे कि लहसुन लिया है हमने, वो इसमें डाल रही हूँ। ये प्याज है इसे भी इसमें। प्याज को हमें रोस्ट करना है काफ़ी, लगभग 5 मिनट के लिए प्याज हमें डाल रही हूँ। अदरक और ये हमने जो बड़े बड़े टमाटर काटे थे वो भी इसमें डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ढक कर कुक होने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे प्याज, टमाटर, लहसुन और मिर्ची, अदरक जो हैं एकदम अच्छे से भून चुके हैं। और अब हम इसको एक प्लेट में टर्न कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने जो मसाला बनाया था, प्याज वगैरह जो चीज़ें डाली थी, प्याज लहसुन अदरक वगैरह, उसे पीस लिया है। और चलिए अब बनाते हैं भरते की ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैं कढ़ाई में ले रही हूँ ये इस चम्मच के, इस बड़े वाले चम्मच के नाप से मैं ले रही हूँ 2 चम्मच ऑयल।
भरते में ऑयल बहुत अच्छा डलता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि भरते में अगर आप ऑयल अच्छा डालेंगे तो आपका भरता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये हमने डाल दिया इसमें ऑयल, और चलिए अब जो बाकी मसाले हैं वो भी इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ये चम्मच भरकर लिया है, और ये जीरा एक चम्मच हम डाल रहे हैं। इसको डालेंगे थोड़ा सा क्रश करके। साथ ही छोटे वाले स्पून से हम डाल रहे हैं मेथी, पान मेथी, और उसे भी क्रश करके डाल देंगे। और अब जो है ये जो हमने प्याज की और सारी ग्रेवी बनाई थी वो इसमें डाल दी हमने। इस मसाले को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा मसाला हम भूनेंगे उतना ही टेस्टी हमारा भरता तैयार होगा। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें जो बाकी मसाले हैं वो मैं डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ इस चम्मच के नाप से 1/4 टीस्पून हल्दी, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच मिर्ची। और अभी इसको कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से भी। इस समय हमें गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि इसमें हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, तो उसकी वजह से जो कढ़ाई पे ये मसाला लग सकता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और साथ ही मैं 1/4 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, 1/2 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर इसमें मैंने डाला है। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो तेल है दिखाई देने लगा है, मतलब हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। और ये जो बैंगन हमने भून के रखे थे वो इसमें मैं डाल रही हूँ। इसमें मैं सिर्फ 2 ही बैंगन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बैंगन का भरता जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने इसमें केवल 2 ही बैंगन यूज़ किए हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा कड़छी से इस तरह से दबाएंगे हम, ताकि ये सारा मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं आपको टिप्स बता देती हूँ। बैंगन का भरता आपका बहुत ही टेस्टी बन सकता है अगर आप बैंगन को बहुत अच्छे से रोस्ट करते हैं गैस पे। बॉईल करने से जो बैंगन का टेस्ट है वो भरते का वो वाला टेस्ट नहीं आता है, स्मोकी वाला, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये है कि जो मसाला हम भून रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से भूनना है, अच्छे से रोस्ट करना है। जितना आप अच्छे से उसे भूनेंगे मसाले को, उतना ही अच्छा आपका बैंगन का भरता तैयार होगा। ये देखिए सारा जो बैंगन है मसाले के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। और फ्रेंड्स अब इसको हम लगभग 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे लो फ्लेम पर। फ्रेंड्स लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और हमने गैस बंद कर दी है, और हमारा भरता जो है बिल्कुल अच्छे से पक के रेडी है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है इसका। और ये जो हमने भरता बनाया है आपको यकीन मैं दिलाती हूँ कि बहुत ही टेस्टी इसकी खुशबू आ रही है। आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही
यम्मी बनेगा आपका भी भरता अगर आप सारे टिप्स को फॉलो करेंगे। तो चलिए हमारा भरता तो रेडी है और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिए से जो है टेस्ट में चार चांद लग जाते हैं हर चीज़ में। हरा धनिया बहुत ही टेस्ट लगता है। भरता रेडी है तो चलिए अब इसको कर लेते हैं सर्व। देखिए रेडी हमारा भरता बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर इसमें आ रहा है। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को मेरी ये डिश पसंद आई और इसके जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं उसको फॉलो करने के बाद अगर आपके भी घर पे इतना टेस्टी भरता तैयार होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका भरता कैसा बना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग सी डिश के साथ। तब तक के लिए बाय।